सभी को नमस्कार। आज मैं एक नई कविता लेकर आई हूँ, बेटी की विदाई। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ सारी रस्म अदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ सारी रस्म अदाई का, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झजकोर दिया, बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झजकोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच मुझको छोड़ दिया, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, मेरे रोने को भी पल भर भी नहीं सहा तुमने, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, जब मेरे रोने का पापा क्या अब बिल्कुल तुम्हें ध्यान नहीं, क्या अब बिल्कुल तुम्हें ध्यान नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, नहीं रोकते चाचा ताऊ भैया से भी आस नहीं, ऐसी भी क्या उदासी है कोई आता पास नहीं, ऐसी भी क्या उदासी है कोई आता पास नहीं, बेटी की बातों को सुन के पापा को देखो क्या आभास होता है, बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका चुप, बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं सह सका, उमड़ पड़े आँखों में आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा, आँखों में उमड़ पड़े आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा, माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, माँ की एक अलग ही ममता होती है, एक अलग स्थान होता है लाइफ में, तो माँ को लगा गोद से कोई मानो सब कुछ छीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से जो कोई बीन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से जो कोई बीन चला, बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता भी, कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट फूट कर रोया है, कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट फूट कर रोया है, हमारे लाइफ में हमारे जीवन में हमारे माता और पिता का स्थान हम अलग मानते हैं, लेकिन दोनों की छत्र छाया में रहकर ही हमारा जीवन फल फूल सकता है और हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो सभी की माता पिता की उम्र लंबी बनी रहे, इसी के साथ धन्यवाद।